आप गुड फुली मैड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। बट फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आफ्टर द ह्यूमंगस सक्सेस ऑफ राधे और मोस्ट वांटेड भाई ऑन Z5 एंड Zplex, जी हैज बिकम द बिगेस्ट प्लेयर इन द OTT बिजनेस। हे भैया, ये तो हमको सुबह बता दिए थे ना, अब नया क्या बताने वाले। वेल फ्रेंड्स, आज जब सुबह मैं आप लोगों को बता रहा था किस तरह से जी इज बिकम द टॉप प्लेयर व्हेन इट कम्स टू OTT, इतनी भारी मात्रा में प्रॉफिट हुआ है उनको कि नाउ दे विल टेक टक्कर, सीधा हेड ऑन टक्कर लेंगे Amazon के साथ, Netflix के साथ, Disney+ Hotstar के साथ। लेकिन उन लोग ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, उन लोग भी सामने से डबल आने वाले हैं। लेकिन गाइस, जी अभी इतना कैपेबल हो गया है कि अब वो बड़ी बड़ी फिल्में खरीद सकता है। मैंने आज के सुबह के एपिसोड में आपको बताया था, 15 मिनट का एपिसोड है, नहीं देखा जाके देख लीजिए, कि दे विल टेक बिग फिल्म्स, दे आर इन टॉक्स विद अ वेरी बिग फिल्म एंड वो उनको बहुत ही जल्दी लेने वाले हैं। एंड गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा भाई, मेरा यार, जंगलों का सरदार अल्लूरी सीताराम राजू, मेरा भाई, मेरा यार, गोंद का अहंकार कुमरम भीम, यस फ्रेंड्स, यू हर्ड इट राइट, SS राजमौली की मैग्नम ओपस आफ्टर द ब्लॉकबस्टर सक्सेस ऑफ बाहुबली 2 एंड बाहुबली 1, यस RRR, स्टारिंग रामचरण, अजय देवगन जूनियर, NTR एंड आलिया भट्ट, डायरेक्टेड बाय SS राजमौली, इज 1, 2, 3 सोल्ड टू Z5। यस फ्रेंड्स, जी नेटवर्क ने ये फिल्म बहुत ही बड़े अमाउंट में खरीदा है। बिग नंबर्स आर कमिंग इन, नंबर्स अराउंड 275, 300, 325, स्काई इज द लिमिट। मैं आपको कोई नंबर नहीं बताने वाला, ठीक है, जब तक Z5 की तरफ से या जी की तरफ से कोई नंबर नहीं आता, आई एम नॉट टेलिंग यू एनी नंबर, जस्ट इमेजिन नहीं बोल रहा हूं, जस्ट कंफर्म समझ लो कि दिस इज इन द रेंज ऑफ 300 करोड़। एंड गाइज, ये फिल्म अब जी के पास चली गई, लेकिन एपिसोड आराम से देखना, ध्यान से समझो मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट OTT रिलीज, ध्यान से सुनो गाइज, RRR विल कम इन द सिनेमा हॉल्स फर्स्ट, सिनेमा घरों में आने के बाद ये OTT प्लेटफॉर्म है, तब वहां जाएगी। अब ये क्या 28 डेज की विंडो में बिकी है, क्या ये फ्लेक्सिबल डील हुई है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, ये जी वालों के पास है, आस्ते आस्ते सब जानकारी आएगी। अभी एकदम हीरो बनने की कोशिश मत करो कि इतना 28 डेज है, इतने दिन में आ जाएगी, ये किसी को पता नहीं है। ये इतना है कि ये डील पहले सभी लोगों को पता है, बहुत बड़ा डील हुआ था पेन के बीच में, जयंतीलाल गाड़ा के बीच में, कि सब राइट्स जो है यू नो पोस्ट थिएट्रिकल जयंतीलाल गाड़ा यानी कि पेन के पास जाएंगे। लेकिन अब सीइंग द अस्टाउंडिंग सक्सेस, ये गाइस जी ने बहुत ही स्मार्टली एंड बहुत ही मैच्योरली राधे के साथ डीलिंग की है। जो PPP मॉडल आया है, मैं आपको पहले दिन से समझा रहा था, पहले दिन से। एंड गाइस, जो लोग इंडस्ट्री में बैठे हैं 25 साल से 30 साल से, जो बॉक्स ऑफिस एंड ट्रेड देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया PPP मॉडल, उनको नहीं समझ में आया कि हाउ PPP इज वर्किंग, दे आर मेकिंग बेसलेस क्लेम्स। हाँ, वी सिटिंग हियर, वी न्यू फर्स्ट डे व्हाट राधे हैज अचीव्ड, व्हाट न्यू पाथ्स इट हैज यू नो पेव्ड फॉर द ऑडियंसेस, एंड इसी कारण है वो देखते हुए ये पूरी की पूरी RRR की डील है वो जी के पास गई है, क्योंकि इतना स्मार्टली उन लोगों ने राधे को प्रमोट किया, उसको पूरी तरीके से यू नो OTT पर लेकर आए, उसका PPP मॉडल अरेंज किया, जनता को देखते हुए उन्होंने अपने जितने प्रमोशन है 249, 499 इतने अच्छे अच्छे डील्स दिए। अगर आपने 499 का पैकेज लिया है, देन मेरा भाई, यू माइट गेट RRR फॉर फ्री, लेकिन वो सब मेरे को नहीं मालूम, वो डील में लिखा हुआ है। सो गाइस, नाउ RRR का जो पोस्ट थिएट्रिकल डील है यानी कि सैटेलाइट एंड डिजिटल, वो जी के पास है। एंड यस, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, जितने भाषाओं में आएगी वो सब के सब आपको जी के प्लेटफॉर्म से मिलेगी। RRR इज नॉट एन OTT रिलीज, RRR फर्स्ट का थिएटर्स, ओके, ओनली थिएटर्स में आएगी, उसके बाद वो जी के प्लेटफॉर्म पे आएगी। 28 डेज, 30 डेज, कितने का पता नहीं, तब आप उसको जी पे देख सकते हो। हुई अचीवमेंट मैन, राधे और मोस्ट वांटेड भाई के बाद जी इज बिकम द टॉप प्लेयर। आई थिंक ये सबसे बड़ा सबूत है राधे के सक्सेस का, कि उनके पास इतना पैसा आ गया, इतनी हिम्मत आ गई, इतने सब्सक्राइबर्स आ गए, कि अब वो बड़ी से बड़ी फिल्में ले रहे हैं। यही होता है मेरा भाई, द
सलमान खान स्टार्ट्स अ ट्रेंड एंड अदर्स फॉलो, एंड मैंने आपको पहले दिन ही बात कही थी कि नाउ ऑल अदर्स विल फॉलो। ये तो शुरुआत है, मैं बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के डील्स लाके बताऊंगा जो कि डायरेक्ट टू ओटीटी पर है। इंतजार करो मेरा, वाय स्टे कूल मैन।